नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं श्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन पर हुई कार्रवाई में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, एक महिला नक्सली सहित तीन ढेर। कुराड़ी के शिवकृष्ण धाम सोसाइटी की जनता ने की महानगर पालिका से माल की जमीन की मांग, सातवीं बार की आंदोलन। और नागपुर के जरीपटका क्षेत्र में अंध लड़की पर हुआ अत्याचार, 55 वर्षीय आरोपी पुलिस हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के लांजी तहसील अंतर्गत कादला ग्राम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन नक्सली मारे गए। बता दें कि बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई और घटनास्थल पर पुलिस आईजी संजय कुमार भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में हथियारबंद नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है, जिसमें एक महिला नक्सली और दो पुरुष नक्सली है। इस प्रकार कुल तीन नक्सलियों को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि कादला बहेला थाना अंतर्गत वारी मंदिर के समीप ही एक ग्राम है, जहां इसके पहले भी नक्सली घटनाएं हुई है, जिसमें पर्चा फेंके जाने और फायरिंग की घटनाएं शामिल है। नक्सलियों के मारे जाने की इस बड़ी कार्यवाही को लेकर सोमवार को सुबह से ही तैयारी जारी थी। इस मुठभेड़ में तीन नक्सलियों के मारे जाने की खबर को लेकर अधिकारियों की पुष्टि का इंतजार है। नरखेड़ तहसील के हिवरमठ में बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना से दोनों गांव में मातम छा गया। योगेश पाथे और पेठ मुक्तापुर के दिनेश कमाठी और बाबा राव इंगले मृतक व्यक्तियों के नाम है। इस बीच रविवार की सुबह राकांपा के युवा नेता जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने दोनों गांवों का दौरा कर पाथे, कमाड़ी और इंगले परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी और कहा कि सरकार जल्द से जल्द इन तीनों परिवारों की मदद करने की कोशिश करेगी। सलील देशमुख पेट मुक्तापुर में इंगले परिवार और बाद में पाथे परिवार से मिलने गए। बाद उन्होंने ग्रामीणों से घटना की पूरी जानकारी ली। सलील देशमुख ने कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए रास्ता खोजने की जरूरत है। इसके बाद सलील देशमुख और जिला कलेक्टर आर विमला ने जाकर सांत्वना दी। योगेश पाथे की शादी 10 दिन पहले हिवरमठ में हुई थी और दिनेश पाथे की 5 महीने पहले शादी हुई थी। इस घटना से पाथे, कमाड़ी और इंगले परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और हम उनका दुख बांटते हैं। आखिर अनिल देशमुख के निर्वाचन क्षेत्र का हर व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि तीन परिवारों को जल्द ही सरकार के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। इस मौके पर सलील देशमुख के साथ जिला कलेक्टर आर विमला, अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत उभारकर, तहसीलदार बीडी जाधव के साथ सरपंच जलालखेड़ा, थानेदार मनोज चौधरी, प्रखंड विकास अधिकारी नीलेश वानखेड़े, अध्यक्ष नीलिमा रेवतकर, जिला परिषद सदस्य प्रीतम कौर, पंचायत समिति सदस्य सुभाष पाटिल, मयूर उमरकर, वसंत चांडक, अतुल पेठे, संजय बरोड़ेकर, नारायण ठाकरे, नानाजी मालोदे और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सांगली के कोलापुर पुणे हाईवे पर माने बाग के पास एक तेंदुआ सड़क पार कर रहा था कि तभी चार पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी और तेंदुआ घायल होकर सड़क पर गिर गया। आधी रात के करीब भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान मोबाइल धारकों ने फोटो खींचना और शूटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन तेंदुआ जिंदा है या मर गया ये कोई जानता नहीं था। तभी अचानक तेंदुआ उछल कर खड़ा हो गया तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। शिवकृष्ण धाम झोपड़पट्टी कोराड़ी की जमीन पर कुछ बिल्डरों ने कब्जा जमाया है, जिससे वहां की जनता डर गई है। बार बार मांग करने के बावजूद झोपड़पट्टी की जनता को उनकी मालकी की जमीन नहीं दी जा रही। इसी बात से परेशान होकर झोपड़पट्टी की जनता ने सातवीं बार महानगर पालिका दफ्तर में जाकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। मांगूंगे ना वो। पिछले 6 महीनों से कुछ बिल्डर्स ने शिवकृष्ण धाम झोपड़पट्टी कोराड़ी की जमीन पर अपना कब्जा जमाया है, जिसकी वजह से झोपड़पट्टी की जनता ने आंदोलन किया।
इस झोपड़पट्टी में कुल 1200 परिवार रहते हैं, जिनके पास मनपा के टैक्स को लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल सब कुछ होने के बावजूद नागपुर महानगर पालिका उन्हें लैंड ओनरशिप देने से कतरा रही है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पूर्व लैंड ओनरशिप बिल पास किया था, जिसका मतलब यह है कि किसी भी सरकारी जमीन को मोनिटाइज करके पैसा कमाया जा सकता है। जनता का कहना है, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार को जेब में रखा है। यह बिल्डर ऐसे वंचित भाग में जाकर वहाँ की जमीनों पर कब्जा करते हैं। महानगर पालिका 2700 करोड़ का बजट हर साल रहने के बाद भी गरीब परिवारों को एक मालकी पट्टा देने के लिए 10 बार सोच रही है। कुछ दिनों पूर्व जनता ने पालक मंत्री नितिन राउत से मिलने की कोशिश की, उनसे मुलाकात भी की, जिसके बाद पालक मंत्री ने इस जनता को स्लम सर्टिफिकेट देने का वादा भी किया था। लेकिन जनता ने यह कहते हुए दुख जताया है कि जब मालकी पट्टा ही नहीं है तो सर्टिफिकेट का कोई फायदा ही नहीं है। शिव कृष्ण धाम झोपड़पट्टी कोराड़ी की जनता ने 7वीं बार मालकी जमीन को लेकर महानगर पालिका के ऑफिस में जाकर आंदोलन किया। आज हम लोग यह आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 6 महीने पहले से कुछ बिल्डर शिव कृष्ण धाम झोपड़पट्टी जो कुराड़ी वॉक्स कूलर के पीछे है, वहाँ पे आके कुछ ना कुछ बिल्डर और कुछ ना कुछ भू माफिया, लैंड माफिया आके अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेके जनता आज डरी हुई है। करीब कम से कम वहाँ पे 1200 परिवार है जो कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। मनपा के टैक्स से लेके उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल सब कुछ है उनके पास, लेकिन आज नागपुर महानगर पालिका उनको मालकी पट्टे मतलब लैंड ओनरशिप देने से कतरा रही है। उसका मुझे रीज़न नहीं पता वो क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे कि कुछ महीनों पहले एक लैंड मोनेटाइजेशन बिल पास किया था, जिसका मतलब ये है सरकारी ज़मीन पूरे देश की, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो किसी शिक्षण संस्था की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो सारी की सारी ज़मीन को मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे वो लोग पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि जितने भी उद्योगपति है पूरे के पूरे देश में, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, जिसने आज सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जेब में रखा हुआ है, ये सारी की सारी सरकारें सिर्फ कैपिटलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी का फायदा लेते हुए ये जितने भी बिल्डर लॉबी है, चाहे वो नागपुर की बोलो, चाहे वो विदर्भ की बोलो, चाहे वो महाराष्ट्र की बोलो, चाहे वो पूरे के पूरे देश की बोलो, ये ऐसे वल्नरेबल और वंचित प्रभागों में जाके, ऐसे विभागों में जाके वो लोग अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कई सारे कुख्यात आरोपी नागपुर के गुंडे आज जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिशियंस का, राजनेताओं का समर्थन लेके ये सब काम किया। और आज नागपुर महानगर पालिका इतने सारे पैसे कमाने के बाद भी 2700 करोड़ का बजट इनका होता है हर साल का, इसमें घर टैक्स से लेके, पानी के टैक्स से लेके, सीवर के टैक्स से लेके, रोड के टैक्स से लेके नागपुर महानगर पालिका पैसे कमा रही है, लेकिन एक मालकी पट्टा, एक गरीब को एक मालकी पट्टा देने से 10 बार सोच रही है, जबकि ये इनके हाथ में है। इसके पहले हम लोगों ने मिलने की कोशिश की नितिन राउत साहब से, उन्होंने हमको बुलाया था, जो आज नागपुर के पालक मंत्री है, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमको एक स्लम सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन स्लम सर्टिफिकेट लेके भी हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको मालकी पट्टा ही नहीं मिलेगा। आज नागपुर की 12.5 लाख आबादी, मतलब एक तिहाई आबादी आज स्लम में रहती है, जिनके पास उनका मालिकी पट्टा नहीं है। मतलब कि कल चल के कोई भी उद्योगपति आके OCW जैसा यहाँ पे अगर लैंड को मोनिटाइज करने की कोशिश करता है और बिल बढ़ाता है, तो जो लैंड रहेगा, वो जो ज़मीन रहेगी, वो ऑटोमेटिकली मनपा द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जिसकी भी ज़मीन है वो छीन ली जाएगी गरीब लोगों से। तो आज मूलभूत अधिकार, जो हमारा भारतीय संविधान बोलता है कि हर इंसान को उसका मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लोग आज 7वीं बार है नागपुर महानगर पालिका में आके बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखिए, मतलब ये सरकार इतनी डरती है कि वर्धा के आष्टी शहीद में हुतात्मा राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली देवयानी इखार ने 10वीं में 99.20% अंक हासिल कर शानदार सफलता हासिल की है और विदर्भ से मराठी माध्यम में पहला नंबर जीत कर गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है। देवयानी के पिता एक किसान हैं। वह जानती थी कि घर की स्थिति खराब है और उसके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देवयानी रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। उसकी मेहनत का फल देखकर उसके माता पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए। 10वीं कक्षा में देवयानी की सफलता के कारण वह अब आगे की उच्च शिक्षा के बारे में गंभीरता से सोच रही है। सीखने का उनका दृढ़ संकल्प उनकी पढ़ाई से दिखाई दिया, इसलिए उसके परिवार ने, सदस्यों ने आगे की शिक्षा के लिए उसका सहयोग करने की तैयारी व्यक्त की। मी वर्ग 5वी पासून हुतात्मा राष्ट्रीय विद्यालय आष्टीची विद्यार्थिनी आहे। मी माझे यशाचे श्रेय माझ्या पालकांना, माझ्या भावाला, सर्व शिक्षकांना आणि हितचिंतकांना देते। मला पुढे होऊन डॉक्टर बनायचं आहे।
त्यासाठी मी परिश्रम करायला तयार आहे. माझे बाबा अल्पभूधारक शेतकरी आहे, त्यामुळे मला गोरगरिबांची त्यांच्या कष्टांची जाणीव आहे. त्यांनी आम्हाला मला आणि माझ्या दादाला शिकवण्यासाठी त्यांच्या रक्ताचं पाणी केलं आणि मला मोठं होऊन चांगला डॉक्टर बनून गोरगरिबांची सेवा करायची इच्छा आहे. मला रात्री जागून अभ्यास करण्याऐवजी सकाळी उठून अभ्यास करायला जास्त आवडायचं. मी रोज जसा वेळ मिळाला तसा अभ्यास करायची. मी तरी दिवसातून 7-8 तास अभ्यास करायची. जन्मता तिची आई सुंदर आणि तेव्हापासून समजा तिचं पालन पोषण सामान्य केलं काही वर्ष आणि त्यानंतर 8 वर्षानंतर तिला मी नाष्टिका इथे शिकली. सुरुवाती शिक्षण तिला जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत घेतलं. त्यानंतर 5वी ते 5वीपासून तिला औटकन शाळेत दाखल केलं आणि तिथे तिने खूप मेहनत घेतली. आणि मी जे काही केलं म्हणजे लेकरं हुशार असल्यामुळं मला असं वाटतं की शिकली पाहिजे आणि त्यानुसार तिने शिक्षण घेतलं, अभ्यास केला, खूप मेहनत घेतली आणि आमच्या कष्टाचं फीस केलं. त्यामुळे आम्हाला सार्थ अभिमान वाटतो आणि देवाने जी इच्छा डॉक्टर व्हायचे आणि तिनं तसं व्हावं आणि गोरगरिबांची सेवा करावी आणि यातच माझ्या कष्टाचं जे काही करते आणि माझ्या कष्टाचं सार्थक झालं असं मला होईल. खबरों के सिलसिले में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. सभी का फिर से स्वागत है. नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ईडी की ओर से 3 दिन के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया. केंद्र सरकार की जांच संस्थाएं भाजपा के मनमाने शासन में काम कर रही है और बेवजह कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर पूछताछ के विभिन्न दौरों में फंसा रही है. पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंद के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोमवार को राहुल गांधी पर लगे आरोपों के विरोध में राहुल गांधी के समर्थन में खामगांव के जयस्तंभ चौक पर धरना दिया. मोदी सरकारचं करायचं काय? या मोदी सरकारचं करायचं काय? या भाजप सरकारचं करायचं काय? राहुलजी आप संघर्ष करो. केंद्र की बीजेपी सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक मतभेद के चलते ईडी का नोटिस भेजा है. इस मामले में 1 रुपए का भी गबन नहीं किया गया है. नेशनल हेराल्ड से संबंध किसी भी निदेशक को लाभांश या भुगतान नहीं मिला.
2015 में बंद हुए इस केस का दोबारा खुलना गांधी परिवार के उत्पीड़न का एक रूप है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की मनमानी के आगे नहीं झुकेगी। भाजपा की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस ने अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंद के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने केंद्र सरकार की मनमानी के विरोध में धरना दिया। शासनच्या पूर्वी काळामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाला स्वतंत्र मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वातंत्र्याचा लढा उभारला। अनेक वर्ष ते जेलमध्ये राहिले। त्यानंतर श्रीमती सोनिया गांधी या देशाच्या पंतप्रधान झाल्या। आदरणीय इंदिरा गांधी त्या देशाच्या पंतप्रधान झाल्या। त्यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे देशाचं प्रतिनिधित्व केलं। शेवटी देशाच्या एकता अखंडतेसाठी त्यांनी बलिदान दिलं। त्यानंतर राजीव गांधी हे देशाचे पंतप्रधान झाले। त्यांनी देखील देशाच्या एकते अखंडतेसाठी बलिदान दिलं। त्यानंतर सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांची धुरा, काँग्रेस पक्षाची धुरा, ज्यांनी देशाला स्वतंत्र मिळवून दिलं, त्यांच्या हातामध्ये आलं। परंतु 2014 जातीच्या नावावर, धर्माच्या नावावर व खोटे आश्वासनं देऊन, लोकांना खोटे स्वप्न दाखवून मोदी सरकार हे सत्तेमध्ये आलं। त्यानंतर त्यांना माहीत आहे की मोदी सरकारला हे माहीत आहे की काँग्रेस हा एक बलाढ्य पक्ष, सर्वसमावेशक असा पक्ष, त्याची ही प्रत्येक गावागावापर्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये संघटना, या पक्षाला आपण उद्ध्वस्त करू शकत नाही। म्हणून ईडीच्या माध्यमातून, CBIच्या माध्यमातून राहुलजी गांधी व सोनिया गांधी यांचा काही संबंध नसताना 2012 जे प्रकरण समाप्त झालं, त्या माध्यमातून त्यांची जमानत झाली, परत तेच प्रकरण उकरून त्यांना घाबरण्याचं काम, त्यांना डरवण्याचं काम त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये खालच्या स्तराचं राजकारण मोदी सरकार या माध्यमातून करत आहे। त्याचा निषेध करण्याकरिता मागील बघितलं आपण 3 दिवसापासून तेच ते प्रश्न, फक्त पूर्ण मीडियाचा जो, मीडियाच्या माध्यमातून लोकांचा जो आहे बघण्याचा दृष्टिकोन हे भ्रष्टाचारी आहे। व ज्या देशामध्ये मोठ्या समस्या आहेत, महंगाई आहे, बेरोजगारी आहेत मोठ्या प्रमाणामध्ये, धर्मामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, हे दूर करण्यासाठी, त्याच्यापासून त्यांची नजर हटवण्यासाठी या खालच्या स्तराचं राजकारण या ठिकाणी सुरू आहे। परंतु काँग्रेस पक्ष, विशेषतः गांधी परिवार, कधी इंग्रजांना तर भिला नाही, तर मोदी सरकार कुठून आणलं? पण या ठिकाणी काँग्रेसच्या माध्यमातून आज धरणे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे। मोदीजींनी जर आमच्या नेत्याच्या केसाला सुद्धा धक्का लावला, तर मोठ्या प्रमाणामध्ये संबंध देशामध्ये आंदोलन केलं जाईल व त्याचा जबाब निश्चित रूपानं काँग्रेस जन त्याला दिल्याशिवाय राहणार नाही। जरीपटका पोलीस थाना अंतर्गत एक अंध लड़की पर बलात्कार करने की घटना सामने आई है। लड़की नाबालिग है, लड़की के पिता नहीं है और उसके परिवार में भाई और माँ है। माँ काम पर जाने के बाद और भाई के बाहर जाने के बाद एक 55 विनोद नरडवार नामक व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर लड़की पर अत्याचार किया। आरोपी और पीड़िता एक ही इमारत में किराए से रहते थे। पीड़िता दोपहर में घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी उसके घर दाखिल हुआ और उसका शोषण किया। आरोपी के खिलाफ गुनाह दर्ज किया गया है। पीड़िता नाबालिग होने की वजह से पॉक्सो के सेक्शंस भी आरोपी पर लगाए गए हैं। आरोपी का कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है और पुलिस जांच कर रही है। एक आमच्या अदितनी एक आंधळ्या मुलीवर अत्याचार झालेला आहे। मुलगी तिला वडील नाही, आई आणि भाऊ आहे। आई कामाला गेली असता आणि भाऊ बाहेर गेला होता, त्या दरम्यान एका 55 व्यक्तीने तिच्यासोबत अत्याचार केलेला आहे। ऑफेन्स त्याच्यामध्ये रजिस्टर केलेला आहे। मुलगी अल्पवयीन आहे, त्यामुळे पोक्सोचे शिक्षणसुद्धा त्याच्यासोबत लागलेले आहेत। 376 जे डिफरंट सेक्शन्स लागलेले आहेत आणि पोक्सोचे सुद्धा डिफरंट सेक्शन्स लागले। आता मॉलला एक आपण जरीपटका हद्दीतली आहे एवढं हे करू, मॉलला वगैरे सांगणे मला उचित वाटत नाही आणि त्याची मला नाही वाटत काही गरजही आहे म्हणून।
मुंबई से मंगलोर जाने वाली एक बस से 18 लाख के सोने के जेवर लूटकर धुले मार्ग से मध्य प्रदेश जा रहे आरोपियों को कर्नाटक पुलिस और धुले पुलिस की मदद से सोनगिर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर सोनगिर टोल नाका पर जाल बिछाकर कर्नाटक और धुले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि 16 जून को कर्नाटक राज्य के बाइंदूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी कि मुंबई से मैंगलोर जा रही एक निजी बस से 18 लाख सोने के आभूषण लूट लिए गए थे। कर्नाटक पुलिस की एक टीम वाहन की तलाश में थी। धुले स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक हेमंत पाटिल को गोपनीय सूचना मिली थी कि कर्नाटक से सोना चोरी के मामले में शामिल एक गिरोह मारुति कार से धुले होते हुए मध्य प्रदेश जा रहा है। कर्नाटक पुलिस की एक टीम भी उसकी जांच कर रही है। इन सभी घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद धुले पुलिस, सोनगिर पुलिस और कर्नाटक पुलिस की टीमों ने सोनगिर टोल नाका पर जाल बिछाया और बीती रात करीब 12 बजे कार में सवार आरोपियों को रोकने का प्रयास किया। इस समय कर्नाटक पुलिस और धुले पुलिस ने सोनगिर पुलिस और NCB की टीम की मदद से फिल्मी अंदाज में शातिर अपराधियों की गाड़ी पकड़कर चोरों को पकड़ लिया। कर्नाटक के 2 पुलिसकर्मी हाथापाई में घायल हो गए थे, लेकिन कर्नाटक पुलिस और धुले पुलिस की मदद से पुलिस अंततः शातिर अपराधियों को पकड़ने में कामयाब रही। इसके बाद उन्हें धुले को LCB कार्यालय लाया गया और अपराधियों से कठोरता से पूछताछ की। तब चोरों ने कर्नाटक राज्य में चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने वाहन से 18 लाख का सोना जब्त किया है। 4 आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए कर्नाटक पुलिस को सौंप दिया गया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार पाटिल ने दी। 16 जून ला बाइंदूर पुलिस स्टेशन तालुका कुंदापुरा जिल्हा उडुपी राज्य कर्नाटक या ठिकाणी काही इसमांनी ब्रिझा कार नंबर MP09WL9284 ह्या गाडीचा वापर करून मुंबईवरून मंगलोरकडे जाणाऱ्या खासगी बसमधून 18 लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले होते। त्या संदर्भात बाइंदूर पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर नंबर 119/22 भादवी कलम 379 प्रमाणे दाखल आहे। आता गेले 3-4 दिवसापासून ही टीम, कर्नाटक पोलिसांची टीम या गाडीच्या मागावर होती। त्याबाबतची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांनी यांच्या पथकालाही मिळाली आणि मग आपण ही गाडी आपल्या भागातून जाणार आहे अशी माहिती मिळाल्यानंतर धुळे जिल्ह्याच्या हद्दीपासून हद्दीपर्यंत आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी बंदोबस्त लावलेला होता। सोनगिर टोल नाक्याला आपण खूप चांगल्या पद्धतीने खासगी साध्या वेशामध्ये आणि खासगी गाडींमध्ये पोलीस ठेवलेले होते। सोनगिर पोलीस स्टेशनची टीम, चंद्रकांत पाटील आणि त्यांचा स्टाफ त्या ठिकाणी लावलेला होता। अतिशय शितापीने जीवावर उदार होऊन ही गाडी आपल्या पथकाने पकडलेली आहे। ही गाडी पकडल्यानंतर आपण बघितलं आहे त्याच्यातले आरोपी गाडीची काच उघडत नव्हते, गाडी अंगावर घालत होते, पोलिसांच्या प्रायव्हेट गाडीवर त्यांनी गाडी घातली होती आणि अतिशय अट्टल चोर ते आहेत, ते पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु आपल्या पथकाने त्यांना ओव्हरपावर करून पकडलेलं आहे। ही अतिशय धाडसी कामगिरी LCBचं पथक आणि सोनगिर पोलीस स्टेशनच्या पथकाने केलेलं आहे। याच्यामध्ये 4 आरोपींना आपण अरेस्ट केलेलं आहे, अमजद खान, हुसेन खान, अली खान, हुसेन खान, इकरार खान, मुख्तार खान आणि गोपाल पप्पू अमलवार, हे सगळे मध्य प्रदेशमधल्या धार जिल्ह्यातले आरोपी आहेत। तर आता पोलिसांकडे इथे आल्यानंतर LCBचे पोलीस निरीक्षक आणि सगळ्या पथकाने त्यांच्याकडे सविस्तर चौकशी केली आणि त्यांची गाडीची झडती घेतली। तो जेवढा काही मुद्देमाल त्या लक्झरीतून चोरून नेलेला होता तो संपूर्ण मुद्देमाल आपण रिकवर केलेला आहे। कर्नाटक राज्याची पोलीस टीमसुद्धा आपल्या पोलिसांसोबत इथं आलेली आहे, त्यांच्या ताब्यात तो मुद्देमाल दिला जाईल आणि हे सगळे आरोपी आता ट्रान्झिट वॉरंटने त्यांच्याकडे हँडओव्हर केले जातील। ही अतिशय चांगली कामगिरी पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील, API चंद्रकांत पाटील, PSI योगेश राऊत, पोलीस नायक योगेश चव्हाण, गौतम सपकाळ, राहुल सानप, कमलेश सूर्यवंशी, राहुल गिरी, चालक गुलाब पाटील आणि सोनगिर पोलीस स्टेशनचे पोलीस हवालदार श्यामराव अहिरे, विजय पाटील, सूरज कुमार साळवे यांनी केलेले आहे। या संपूर्ण टीमचं मी अभिनंदन करतो। 17 जून को पार्डी के श्याम नगर बाजार चौक यहाँ पर स्थित गुप्ताजी मोबाइल शॉप एंड एंटरप्राइजेस की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच जारी है। 17 जून की रात को दुकान मालिक दुकान बंद कर घर लौटा। 18 जून की सुबह जब दुकान मालिक की बहन मंदिर जाने के लिए निकली तब उसका ध्यान दुकान के शटर पर पड़ा जो नीचे से मुड़ा हुआ और ऊपर उठा हुआ था। बहन ने तुरंत घर के बाकी लोगों को फोन करके दुकान के पास बुलाया। वहां देखा तो दुकान के कुछ मोबाइल नहीं दिखे।
दुकान मालिक ने चेक किया तो दुकान में रखे हुए सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी कंपनी के कुल 36 एंड्रॉयड मोबाइल व एक रियलमी कंपनी का टैब जिसकी कीमत 5,29,040 रुपए है, यह सामान चोरी हो गया था। पारडी पुलिस के द्वारा इस घटना का पंचनामा कर कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात आरोपी की जांच जारी है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।